हाय गाइज, वेलकम टू नंबर एक्स। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकालेंगे। यदि आप इस एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू बी पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका एक फैक्टर a माइनस बी है। ओके, सिमिलरली यदि आप यहाँ पे b इज इक्वल टू सी पुट करते हैं तो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब है कि b माइनस सी भी एक फैक्टर है। ओके, सिमिलरली यदि आप c इज इक्वल टू a पुट करते हैं तब भी एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि c माइनस ए भी एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम यूज करके आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है कि इस एक्सप्रेशन से b माइनस सी, c माइनस ए या a माइनस बी फैक्टर आउट करना। यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ a टाइम्स b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर्ड प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर्ड, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। अब हम इन सारे पैरेंथेसिस को ओपन कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। यदि आप नंबर एक्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।